विशद है, रुच है, सूक्ष्म है, सर है, कठिन है। अब इसमें वायु में जो गुण मिलने वाले हैं वो लघु मिलेगा आपको, विशद भी मिलेगा, रुच भी मिलेगा, सूक्ष्म भी मिल सकता है। तो लघुता के कारण और वायु ऑलरेडी रुच होती है क्योंकि उसमें, और उसका अगर पंचभौतिक संगठन भी आप देखेंगे तो अगर वायु का देखते हैं तो आकाश और वायु पेशेंट खुद से करना है। वायु से इस तरीके से होगा कि जैसे आप कोई व्यक्ति है जहाँ पे उन्होंने प्रवाद और परागवाद का निषेध किया है, वो इसी सेंस में कि सामने से जब हवा लगेगी तो रुचता बढ़ेगी शरीर में, स्नेहांश का शोषण हो जाएगा, स्नेहांश कम हो जाएगा उससे, क्योंकि ब्रीहण तो जो स्नेहयुक्त धातुएं हैं उनका है ना, चाहे मांस हो, चाहे मेद हो, चाहे रस हो, हम में स्नेहांश और वायु जो होगा उसका शोषण करने का, स्नेहांश कम होगा रुक्षण अपने आप को, ठीक है। और वायु तो ऐसी है, शीत गुण के साथ मिलाएंगे तो शीत हो जाएगी, योग हुआ है परम वायु, आचार्य ने कहा चरक चिकित्सा टीम में, कि अगर आप उष्णता के साथ उसका संपर्क होगा तो उष्ण हो जाएगी वायु, और शीत गुण के साथ संयोग हो जाएगा, अगर कूलर में आप पानी डाल के चलाएंगे तो ठंडी हवा देगा, और अगर आप बिना पानी के चलाएंगे तो जो मौसम में जितनी उष्णता है उतनी गर्म हवा देगा, है ना। वहाँ लिखा है उन्होंने कि दाहकृत तेजसा युक्त उष्ण शीतकृत सोम संतरे, आप ऐसा आचार्य ने कहा है कि अगर उष्ण गुण मिलेगा तो उष्णता करेगी शीत। आगे चलो, फिर इसके विमर्श में अगले पृष्ठ में अष्टांग हृदय का सूत्र लिखा हुआ है, आप देखेंगे शोधनम समनम चेति द्विधा तत्रापि लंघन, लंघन के दो भेद हैं, या तो शोधन या तो सम। यद ईरेत बहिर्दोषान पंचधा शोधनम चतुर्थ। अब यहाँ समस्या इसलिए नहीं है, शोधन की बात कर रहे हैं क्योंकि बाकी आचार्यों ने अनुवासन और मेरु ऐसा करके बस्ती के दो भेद बताए ही नहीं, उन्होंने एक भेद रक्तमोक्षण ले लिया और बस्ती केवल एक रख दिया, है ना। तो वहाँ पे हमें अर्थापत्ति से ये समझ जाना कि अगर हमें ब्रीहण कराना है या लंघन कराना है तो हमें अनुवासन बस्ती का प्रयोग नहीं करना, ग्रहण कराना है तो ज़्यादा समय तक मेरु बस्ती का प्रयोग करना, वहाँ अनुवासन बस्ती करना ग्रहण करना, है ना। तो यहाँ लंघन की बात कर रहे हैं, निरूह वमनम काय सिरो को अस्त्र विस्तृत, सीधा सीधा निरूह शब्द का उल्लेख किया आचार्य, जिससे कन्फ्यूजन ना रहे कि अरे बस्ती लिख दिया तो हम अनुवासन पर, है ना। न शोधयत ये दोषान समान न उदीरे यदि यदि समी करो विषमान समनम तत्व तब्दा, इन्होंने समन द्रव्यों के सप्तधा सात प्रकार बताए आचार्य बागभट्ट ने, क्या क्या बताया, पाचनम, दीपनम, क्षुत, क्रीट, व्यायाम, आतप, मारुता, ठीक है। आगे आएंगे शोधन द्वारा लंघनीय कौन है, अब देखिए आप शोधन से भी आप लंघन कर सकते हैं, तो हमें वैसे भी पता है कि बहुदोषाणाम दोषावसेचन करना चाहिए, जो बहुत सारे दोष बढ़े हुए हों एक साथ में तो वहाँ पर दोषावसेचन करना, तो देखेंगे प्रभूत श्लेष्म पित्त अस्त्र मलाह संसृष्ट मारुता बृहत शरीरा बलिमो लंघनीया विशुद्ध। अब इनके शरीर में प्रभूत यानी बहुत मात्रा में, ढेर सारी मात्रा में कफ, पित्त, रक्त और मल हैं, और संसृष्ट मारुता, संसृष्ट मारुता का मतलब ये सभी वात से युक्त हो, उनके साथ वात सहयोगी के रूप में, बृहस् शरीरा रोगी कैसा हो, बड़े शरीर वाला हो, बलिनो उसके शरीर में उसका बल उत्तम हो, तो ऐसे व्यक्ति को शोधन द्वारा लंघन करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति शोधन द्वारा लंघनीय होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे पाचन के द्वारा किसका लंघन करेंगे, क्योंकि आचार्य ने बताया ना कि ये लंघन के हमारे पास 10 प्रकार है ना, तो उसमें किसमें पाचन से करेंगे, किसमें शोधन से करेंगे, देखिए ये साम मध्य बला रोगा, अब रोगों का बल कैसा हो, मध्यम बल वाला, कफ पित्त समुत्थिता, विशेष रूप से कफ और पित्त व्याधि हो, कफज और पित्त हो, वम अतिशार हृदरोग विसूची अलसर, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, वमन अतिशार हृदय रोग विसूचिका अलसर ज्वर विबंध गौरव उद्गार हृल्लास अरोचक आदि, ये रोगों के नाम है जहाँ जहाँ आपको पाचन के द्वारा लंघन कराना है, पाचन ही तान विषक प्राज्ञा प्रायण आदो उपाचन, तो यहाँ पर जो रोगी हैं इस तरह के रोग वाले उनका जो लंघन करना है वो पाचन के द्वारा करना है।
इसमें विशेषता क्या है, देखिए आप 22 नंबर सूत्र में आचार्य ने कहा, एत एव यतो दिष्टा येषाम अल्पबलागदा पिपासा निग्रहे तेषाम उपवासस्य ताप। अब बता रहे हैं कि यही रोग अगर दुर्बल व्यक्ति को हो जाए तो कैसे लंघन करें। जो रोग आपने भी पढ़े, हृदय रोग, अल्सर, विसूचिका, ज्वर, पढ़े आपने, तो यही रोग अगर अल्प बल वाले हों या अल्प बल वाले व्यक्ति में हो तो पिपासा निग्रह तेषाम उपवास से, पिपासा और उपवास से उनका लंघन करना। यानी जो मध्य बल वाले रोग हैं अगर अल्प बल वाले रोगी को हो जाएं तो वहाँ पर पिपासा और उपवास से उनका लंघन करना। फिर क्या करेंगे बाकी उपायों से, लिखा है रोगान जनित मध्य बलान व्यायाम आत्म मारुतई बलिनाम किन पुनर्येषाम रोगाणाम अवगत। आचार्य कह रहे हैं कि ये रोग जो आपने मध्य बल वाले व्यक्तियों के लिए जो रोग देखे आपने, अगर वो बलवान व्यक्तियों के शरीर में हो जाए, मतलब शरीर बलवान है, रोग मध्यम बल वाला है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, व्यायाम आतुक मारुतई, वहाँ पर व्यायाम आतप और वायु के द्वारा वहाँ पर आपको लंघन कराना। लंघन का काल, एक प्रश्न ये भी उठता है कि किस ऋतु में लंघन कराएं और किस ऋतु में नहीं कराएं, किस तरह के व्यक्ति को कराएं, इसके लिए क्या इंडिकेशन से। आचार्य कह रहे हैं त्वक दोषिणाम प्रमीहानाम स्निग्ध अभिशंदी ब्रहिण, जो त्वचा के विकार किसी को हो, ऐसा रोगी, प्रमेह रोगी हो, स्निग्ध अभिशंदी ब्रहिणाम शिशिरे लंघनम सस्ता वात विकारिणाम। तो वैसे तो त्वक दोष है किसी के अंदर, कोई स्किन प्रॉब्लम हो, प्रमेह रोगी है, स्निग्ध और अभिशंदी भोजन उनका जो सेवन करता हो, ऑलरेडी जिनका ब्रहण हो चुका हो या जिनका ब्रहण करना हो, शिशिरे लंघनम सस्तम, शिशिर ऋतु में वात रोग से पीड़ित व्यक्ति का भी लंघन करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं, क्योंकि उत्तम बल रहता है ना शरीर का, तो शिशिर ऋतु में आप लंघन करा सकते हैं, ठीक है। और एक प्रश्न और आता है कि जिस व्यक्ति का ग्रहण कराना है या जिस व्यक्ति का लंघन कराना है तो उसमें एक कामन क्या कर सकता है, जिसका लंघन कराना है, अभी आगे हम आगे बात करेंगे, अगले सूत्र में आएगा, आप देखिएगा, उसकी बात वहीं करेंगे। ग्रहण द्रव्य के बारे में आचार्य बता रहे हैं कि अधिक दिद्धम अक्लिष्टम वयस्कम सात्मचारिणाम मृग मत्स्य व्यंगानाम मांसम ब्रहणम उच्च। तो कुछ पशु पक्षियों का मांस आचार्य ने बताया है, जब कहीं सामिस द्रव्यों का संहिता में उल्लेख मिले तो वहाँ यही समझना है कि जो व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए ये व्यवस्था, जो प्योर वेजिटेरियन है उनके लिए ये व्यवस्था, तो इसको इस अर्थ में लेना। आगे चलेंगे, क्योंकि वहीं विमर्श में लिखा है आचार्य ने कि नहीं मांस समम किंचित अन्यत देह प्रियतका है, कि मांस के समान कोई भी मांसम ब्रहणीया नाम, आचार्य चरक भी कहते हैं ग्रहण करने वाले भाव में सर्वश्रेष्ठ मांस। ग्रहण के योग्य पुरुष देखिए आप, छीणा छता कृषा वृद्धा दुर्बला नित्यम अध्वगा स्त्री मध्य नित्या ग्रीष्मे च ब्रहणीया नरा। जो छीण है, जिनको कोई इंजरी हो गई है, कृष है, वृद्ध है, दुर्बल है, रेगुलर पैदल चलते हैं, नित्यम अध्वगा, जो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर रोज पैदल चलते हैं, 15 किलोमीटर चलते हैं, स्त्री मध्य का नित्य सेवन करता हो, ग्रीष्म च ग्रहण, ग्रीष्म ऋतु में आप किसी का भी ग्रहण करा सकते हैं, क्योंकि उस समय शरीर का बल दुर्बल रहता है तो वहाँ पे आपको संतर्पण करना ही चाहिए, और शिशिर ऋतु में आप किसी का भी लंघन करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर शरीर का उत्तम बल होता है, क्योंकि अगर आप लंघन कराएंगे तो बिल्कुल अंडरस्टूड है ना कि दुर्बलता आएगी शरीर, तो अगर ऋतु बल शरीर बल उत्तम है तो लंघन कर सकते हैं, अगर शरीर बल अच्छा है तभी तो नवरात्रि के 9 दिनों में आप व्रत कर सकते हैं, अगर शरीर बल नहीं हो या ऋतु बल सही नहीं हो तो बड़ा मुश्किल होगा, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है ना। आगे नहीं, आप इसके लिए 10वीं परीक्षा में जाए, तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो प्रकृति से शुरू करेंगे, सार संसार सब तो सपने जाएंगे, सबका बल देखना, ठीक है। तो यहाँ जब एक बात कह दी जाती है कि शरीर बल, तो सब चीज़ें उसी में आ जाती,
शरीर में ही सार मिलेगा, शरीर में ही सत्व मिलेगा, शरीर में ही दोष मिलेंगे, सब शरीर में ही। ब्रह्म के योग्य हमने पढ़ा, अब मानसरस द्वारा ब्रह्म करने योग्य पुरुष कौन? देखिए, सोस अरसो ग्रहणी दोषी व्याधि कर्तृताश्च तेषां कर्व्याद मानसानां ब्रह्मणां ब्रह्मणा लघोरसा। तो जो लोग सोस अर्स ग्रहणी आदि रोगों से पीड़ित होकर कृष हो गए हैं, कर्षित हो गए हैं, जिनके अंदर धातुओं का कर्षण हो गया है, ऐसे व्यक्तियों को कृव्याद मांस, ऐसे पक्षी जो कच्चा मांस खाते हैं उनके मांस का प्रयोग आचार्य ने ऐसा बताया, क्योंकि उनके अंदर ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होगी, समान से समान की वृद्धि होती है, समान से समान की वृद्धि होती है। इसके सिद्धांत में कभी आपको ये नहीं समझना है कि समान दिखने वालों से, समान दिखने वालों से नहीं, समान कार्य करने वालों। जैसे एक स्टडी हुई कहीं पर, जैसे हम ये मानते हैं कि अस्थि धातु का क्षय हो रहा है, तो आदमी वैद्य शास्त्र से ये समझते हैं कि कैल्शियम की कमी हो रही है, ऐसा समझते हैं, कैल्शियम की टेबलेट दी जाती है। लेकिन कैल्शियम एक अंश है अस्थि धातु का, पूरी धातु का अंश तो नहीं है ना। कैल्शियम को उपचार होने के लिए जो जठराग्नि है, जो धात्वाग्नि है, जो भूताग्नि है, उसको उस लेवल पर होना चाहिए। तो जब स्टडी की गई, एक ग्रुप को कैल्शियम की टेबलेट्स दी गई और दूसरे ग्रुप को नवनीत का सेवन कराया गया, मक्खन जो नेचुरल मक्खन होता है उसका सेवन कराया गया। तो जिनको नवनीत का सेवन कराया गया उनके अंदर बेटर रिस्पांस था, उसका बेटर इम्प्रूवमेंट था, बजाय जिनको केवल कैल्शियम की टेबलेट। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा सामान्य और विशेष का सिद्धांत है वो केवल सिमिलर दिखने में नहीं, सामान्य मतलब होता है सिमिलर और विशेष मतलब होता है डिस। तो जो एक समान कार्य करने वाले या एक समान भाव उत्पन्न करने वाले हैं वो है सामान्य वृत्ति, है ना। लेकिन जब उसका अर्थ केवल हम ये समझते हैं कि जो दिखने में सिमिलर हो, दिखने में नहीं अपितु कार्य करने में सिमिलर, उसका एक्शन सिमिलर, तो उसको हम कहेंगे कि सामान्य। आगे चलेंगे, सभी व्यक्तियों के लिए ग्रहण वस्तु द्रव्य, किसी को भी आप ग्रहण कराना तो कैसे कराएंगे? स्नानम उत्साधनम। अगर आपको ध्यान हो, जब आपने मात्रास्थि में स्नान के गुण पढ़े थे तो पहला शब्द था पौष्टिकम वृषम आयुष्यम, पुष्टि होती है उससे शरीर की का जो ग्रहण है वो होता है, संतर्पण होता है स्नान से। संहिता की ये विशेषता होती है कि आचार्य ने एक बार किसी चीज़ को सूत्र रूप में जहाँ पर कोट कर दिया वो आपको बदले हुए स्वरूप में कहीं ना कहीं मिलता है। अगर हमने मात्रास्थि में ये पढ़ लिया कि स्नान से ग्रहण कर्म होता है, तो कहीं भी संहिता में अगर स्नान आएगा तो हम उसको ग्रहण, स्नान अभ्यास अलग चीज़ है और स्नान अलग चीज़ है। हमें कल हम लोगों ने बात की थी ये, जब हम अतिकृष और अति स्थूल के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि स्नान जो है वो ग्रहण करेगा, लेकिन स्नान अभ्यास वो लंघन करेगा, कृष्णता उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर लिखा है स्नानम उत्साधनम। कैसा उत्साधन होगा? स्नेही उत्साधन होगा, रुच उत्साधन नहीं करना, स्नेही। स्वप्नों, तो स्वप्नों से क्या मतलब है? रात में तो उसको सुलाना ही है, ऋतु का विचार करते हुए दिन में भी सुला दे। मधुरा स्नेह बस्ते, मधुर रस वाले द्रव्यों का प्रयोग करना है और स्नेह वस्तियों का प्रयोग करना, यानी अनुवासन वस्तु का प्रयोग करना। शर्करा क्षीर सर्पी, शर्करा भोज्य पदार्थ, दूध का प्रयोग करना है, घृत का प्रयोग करना है, सर्वे शाम विद्धि बल। अगर आप भोजन में मधुर रस बढ़ा दें या भोजन के बाद भी मधुर रस का सेवन करें तो आपका वेट गेन हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा। जब कोई आपके पास ओबीज पेशेंट आता है, स्थूल होने वाला पेशेंट आता है, तो आप सबसे पहले उसके मीठे पर कंट्रोल करवाते हैं कि आप इसको थोड़ा सा कम करिए, उस पर भी मावे की मिठाइयाँ कम करिए, क्योंकि इनमें बहुत ग्रहण की शक्ति होती है। किसी का अगर वेट ना बढ़ रहा हो, हमारे जो लाइव लिसनर हैं इसमें देखिए, अगर भोजन के बाद दो मिल्क केक या दो मलाई बर्फी खाने की आदत डाल ले कोई व्यक्ति, या दो केले खाने की आदत डाल ले, तो एक डेढ़ महीने में इसका परिणाम सामने आ जाएगा, ग्रहण हो गया इससे। मधुर रस ऑलरेडी वेट गेन करेगा, पृथ्वी और जल महाभूत का अंश है उसमें, तो समान से समान की वृद्धि होगी, तो चाहे मांस धातु हो चाहे मेद धातु हो, सब में इनके अंश हैं और ग्रहण होगा। डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं
अग्नि का विचार आपको करना है। अब इतना सारा भोजन करने के बाद एक या दो मील केक को आदमी खा ही सकता है, बल्कि ज़्यादा खा लेते हैं हम। हमने इसीलिए उसमें बाउंडेशन रखी कि कम से कम दो केले, इसलिए झटका नहीं जाता है, आप छः केले खा लीजिए, आधा दर्जन खा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ग्रहण होगा ना उससे। और मिल्क केक या मलाई बर्फी भी हमने दो कही आगे चले तो मधुर रस में वेट गेन करने की क्षमता होती है। आगे चलेंगे रुक्षण द्रव्य कैसे होंगे, कटु तिक्त कषायाणाम। देखिए रस की कौन सी बात आ गई, कटु तिक्त और कषाय रस। आप देखेंगे सब में वात प्रकोपक गुण है, वायु है सब में। आपने सवाल किया था कि वायु कैसे लंघन करेगा, देखिए यहाँ पर सब में अंश कटु तिक्त कषाय में वायु है कि नहीं। और हमें वैसे भी पता है कि वायु अग्नि और आकाश जो होते हैं ये लघु महाभूत है ना, तो जिन द्रव्यों में इनकी अधिकता होगी विशेष रूप से वायु और अग्नि की, वो लंघन कराएगा। तो जिसमें जल पृथ्वी होगा या केवल पृथ्वी या जल होगा वो भी ग्रहण कराएगा। तो जब आप मधुर अम्ल लवण की बात करते हैं तो पंच भौतिक संगठन में ये पहुंचा है। लंघन कराने के लिए अगर वायु हो तो मच बैठे, केवल अग्नि से उतना नहीं होता जितना वायु अग्नि के साथ मिल जाए तो लंघन का है ना। आगे चलेंगे रुच्छन करने योग्य रोग आचार्य ने लिखा है, अच्छा उसके आगे और लिखा है उन्होंने कटु तिक्त कषाया नाम सेवनम स्त्री असंयम खल पिण्याक तक्राणाम। पिण्याक खली होती है, जिसे आपका क्या न्यूट्रीला क्या आता है वो जिसमें सोयाबीन का तेल निकाल लेते हैं तो खली बचती है, उसमें स्नेहांश कम होता है या न के बराबर होता है। जब स्नेहांश जाएगा ही नहीं तो ग्रहण होगा कहाँ से, तो लंघन ही होगा। तक्राणाम देखिए अगर आपको लाइट वेट रखना है, अपना शरीर आपको छरहरा रखना है, तो वहाँ आप दही की जगह तक्र का सेवन करें, दूध की जगह आप तक्र का सेवन करें। स्नेह व्यापक की भी औषधि है तक अरिष्ट प्रयोगाश्च, ऐसा आचार्य ने लिखा। तो आप कभी स्नेहयुक्त पदार्थ ज़्यादा सेवन करें, अनुपान के रूप में तक्र का सेवन करिए, तो वो उतना नुकसानदायक नहीं होगा या उतना ग्रहण नहीं करेगा जितना आप जल का केवल सेवन करेंगे उसके बाद, है ना। इसका विचार ऐसे करना है अपनी डेली रूटीन में, रूटीन लाइफ में। ग्रहणी रोग में ग्राही गुण होता है ना, उसमें तक्र में ग्राही गुण होता है। देखिए जो ग्राही स्तंभन की परिभाषा तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आचार्य सारंगधर के हिसाब से कर बात कर कि रोच्छाद से अत्यात कथायत्वात् लघुपाकात् चेत् भवेत् वातकृत स्तंभनम् च यथावत्सर्गः। अब ग्राही द्रव्य का गुण सुनिए आप, दीपनम पाचनम यत्वात् उष्णत्वात् द्रवशोषकम्। जिसमें दीपन गुण हो, जिसमें पाचन गुण हो और अपने उष्णता से वो द्रवांश को सुखाने वाला है। ग्राही तच्च यथा सुनति जीर्कम गच्छति। तो अगर आप तक्र के गुण पर जाएंगे तो दीपन भी है उसमें, पाचन भी है। अगर उसमें से आपने घृत निकाल रखा है, क्योंकि तक्र के कई भेद आचार्यों ने बताए, कहीं तीन बताए कहीं पाँच भेद बताए, तो वहाँ से आपने स्नेहांश उसका निकाल लिया तो रुचिता बढ़ जाएगी ना। ये तो सामान्य सा सिद्धांत है कि अगर हम तक्र में से हमने उसमें होता है उद्धृत स्नेह अनुद्धृत स्नेह। उद्धृत स्नेह मतलब जिसमें से स्नेहांश निकाला जा चुका, अनुद्धृत स्नेह मतलब जिसमें पूरा स्नेहांश है दही को, ऐसे ही मत के हमने तक्र बना लिया। और अर्ध उद्धृत स्नेह का मतलब है जहाँ पे आधा स्नेह निकाला है आधा छोड़। तो जब आप तक्र से स्नेह निकाल लेंगे तो रुचिता आ जाएगी, है ना। तो ग्राही और ग्राही गुण होता है, पाचन का गुण होता ही, तो इसलिए उसका निर्देश है ना केवल ग्रहणी में अपित 100 विकारों में आचार्य ने मंडन किया है, वात के 80 और कफ के 20 विकारों में। आप चरक चिकित्सा में अर्थ रोगाधिकार में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आचार्य ने मंडन किया है कि तक्र 100 व्याधियों में सतम चाप, ये ऐसे करके श्लोक में आया है, वात के 80 और कफ के 20 विकारों में लाभकारी होता है। आगे चलेंगे फिर बात करेंगे स्नेह और स्नेहन करने योग्य व्यक्ति, स्वेद और स्वेदन करने योग्य व्यक्ति कौन है। अच्छा उसके पहले आचार्य ने रुच्छन करने योग्य रोग भी बताए हैं, हमें इसका भी अवलोकन करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अभिशन्या महादोषा मर्मस्था व्याधयश्चे उरुस्तंभ प्रकृति और रुच्छनीया। जब आपने उपसर्ग के 18 भेद पढ़े तो उसमें लास्ट में उभय विपरीतार्थकारी विहार में पुरुष स्तंभ के बारे में लिखा है कि जल में तैरना, जल में तैरना,
बेसिकली वो विपरीत धारा में तैरना होता है, ऐसा आचार्य ने बताया। हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर। तो आचार्य ने लिखा कि जो अभिशंदी रोग, अभिशंदन बिना कफ के बड़े हो ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति में रुक्षण कराना है। महादोषा, दोष बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, और कैसे हो, मर्मस्था व्याधि, मर्म स्थान में कोई व्याधि हो, और विशेष रूप से एग्जाम्पल दे दिया उरुस्तंभ प्रवृत्ति हो, और भी कैसी व्याधियाँ हो जैसे उरुस्तंभ। अब आचार्य ने कहा कि उरुस्तंभ में देखिए आपकी कोई भी पंचकर्म की थेरेपी काम नहीं करती। आप में से कोई बताएगा मुझे क्यों काम नहीं करती? आप मुझे बताइए वमन क्यों नहीं कर सकते वहाँ, क्योंकि वहाँ तो आम त्रिदोष समुखता है ना, वो आम दोष भी है उसमें, मेध धातु का रोल है वहाँ पर, तीनों दोषों का भी। तो आप मुझे बताइए जब तीनों दोष हैं तो आप वमन विरेचन वस्ती क्यों नहीं करवा पा रहे, या पूर्व कर्म में स्नेह सीधन क्यों नहीं करवा पा रहे? कौन बताएगा मुझे, आप में से बताइए। देखिए पहले हम संशोधन पर आते हैं, संशोधन पर आएंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। आप वमन नहीं करा सकते पुरुषतम में, क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि अन्यथा संदम दोष निवारणम है, कि जिसका आसन्नम यानी जहाँ पे जिसका स्थान हो, अगर कप का स्थान आमाशय है मुख्य रूप से, तो आप शाखा से पहले दोष को कोष्ठ में ले आए, तो पुरुषतम का जो अधिष्ठान है वहाँ से आप कप को वमन कराने के लिए कप को आप आमाशय में नहीं ला सकते, नहीं आ सकता। चलो वमन कैसे, विरेचन पर आइए, यहाँ भी वही सिद्धांत है कि अगर आप विरेचन कराना चाहते हैं तो कहाँ ले आना पड़ेगा, पश्चिमाश्रम में, तो विरेचन का भी मार्ग नहीं है वहाँ, तो इसलिए आप विरेचन नहीं करा सकते। अब आप वस्ती पर आइए, वस्ती के लिए आपको दोस्त को ले आना पड़ेगा पहले शाखा से कोष में पक पास, तो वो आ नहीं सकता वहाँ से, तो वस्ती भी आप नहीं करा सकते। अब अगर आप स्नेहन और स्वेदन पर आते हैं, स्नेहन कराएंगे तो आम दोष भी पड़ेगा, मेध धातु भी पड़ेगी, जो आपकी व्याधि है उसकी जो प्रोग्नोसिस है वो और खराब स्थिति में जाएगी। स्वेदन कराएंगे तो भी यही समस्या है, कफ बढ़ेगा वहाँ पर, मेल भी बढ़ेगा, द्रवता बढ़ेगी ना इनकी, तो भी व्याधि आगे बढ़ेगी। आचार्य ने वहाँ पर जो निर्देश दिया है वो शीतल जल की विपरीत धारा में तैरना, हल्का सा शीतल जल होगा, और जो व्यक्ति विपरीत धारा में तैरने का प्रयास करेगा तो धीरे धीरे मेद और आम का क्षय हो जाएगा, कफ का क्षय हो जाएगा, तो जो गुरु स्तंभ है वो ठीक हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर रुक्षण बताया कि गुरु स्तंभ प्रवृत्ति हो रुक्षण, ठीक है, तो कोई चिकित्सा वहाँ काम नहीं करेगी, वहाँ आपको रुक्षण कराना पड़ेगा। एक ब्याज ये है, और कुष्ठ की आगे की अवस्था में पंचकर्म गुणातीत रोग, जहाँ पंचकर्म वहाँ भी काम नहीं है, लेटर स्टेज में वहाँ बात करेंगे, जब हम कुष्ठ चिकित्सा में पढ़ेंगे तो वहाँ उस संबंध में डिस्कशन करेंगे। आगे आते हैं स्नेह और स्नेहन करने योग्य व्यक्ति, स्नेहा स्नेहितभ्याश्च स्वेदा स्वेद्याश्च, यानी स्नेहन किसको करने हैं, जिनको स्नेहन कराना है, स्वेदन किसका करना है, तो स्वेदन के योग्य है, स्वेदन कराने के लिए निर्देश। आचार्य ने कहा स्नेहाध्याय मया युक्ता, स्नेहाध्याय में हम ऑलरेडी बता चुके हैं तो आप, और स्वेदाध्याय में भी हमने बता दिया, कैसे बता दिया, सब विस्तरम विस्तार पूर्वक बता दिया, तो फिर से यहाँ करने का कोई औचित्य नहीं। स्तंभन द्रव्य का देखिए आप क्या गुण है, द्रवम तनु असरम, यहाँ पे यण संधि है, सरगुण नहीं हो असर हो, क्योंकि सरो अनुलोमनो प्रोक्त है, सर में गति रहती है, तो स्तंभन करने के लिए सर्वगुण से विपरीत गुण हो, यानी स्थिर गुण हो वहाँ पर, तो द्रोम तनु अशरम यावत शीति करना मौसम, देखिए यहाँ आचार्य भी शीत वीर ही बता रहे हैं, ऐसी औसत द्रव्य जो शीत गुण, आचार्य सारंगर ने भी क्लियर कट डिफिनेशन दी कि रौच्छाद शैत्याद कसायत्वात् स्वाद तिक्तम कसायम से, देखिए मधुर रस हो तिक्त हो कसाय हो, लेकिन आचार्य सारंगर ने क्लियर कट कहा कि कसाय रस की प्रधानता हो। अच्छा आप ये देखिए स्वाद है तिक्त है कसाय है, ये सब शीत वीर, शीत वीर है ना रस,
तो स्तंभनम सर्वमेव, ये सब स्तंभ है। आगे चलेंगे स्तंभनी पुरुष, यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, किसका स्तंभन कराएंगे आप? पित्त क्षार अग्निदग्धा ये वम अतिसार पीड़िता, जो पित्त से क्षार से, जिनके अंदर पित्त बढ़ा हो, क्षार और अग्नि से दग्ध हो चुके हों, या जिनका अग्नि कर्म कराया गया है, ऐसा सुनते वम अतिसार पीड़िता, वमन से अतिसार से पीड़ित, विष स्वेद अतियोग आता, देखिए विष की स्थिति में और स्वेदन का अतियोग हो गया, क्योंकि हम लोगों ने स्वेदाध्याय में पढ़ा था अतिस्वेद की चिकित्सा स्तंभ, ऐसा आचार्य वाग्भट ने कहा, तो विश्वेद अतियोग अर्थात स्तंभनीय निर्देश, ऐसे स्तंभन करने का निर्देश दिया गया है। हाँ, तो जब सिद्धांत बताया जाता है, देखिए यहाँ चिकित्सा तो होता ही नहीं ना आचार्य, वमन की और अतिसार की चिकित्सा अभी सूत्रस्थान में नहीं बताई आचार्य, लेकिन स्तंभन का निर्देश दिया है, बस एक ही चीज का ध्यान होता है, चाहे रक्तपित्त हो, चाहे वमन हो, चाहे अतिसार हो, वहाँ आमावस्था में नहीं देगा, है ना, आमावस्था में स्तंभन देने का निषेध किया गया। इस चीज का विचार करना है कि जैसे आपको रक्तपित्त हो गया है, मान लीजिए उद्योग रक्तपित्त, दूषित रक्त जब तक निकल रहा है तब तक स्तंभन नहीं देना, अगर दूषित रक्त आपने रोक लिया तो उसकी पैथोजेनेसिस अलग शुरू हो जाएगी आपके शरीर वहाँ पर, जब भी ऐसा कहा जाए। अब ऐसे तो उन्होंने कहा दिया कि अतिसार में विरेचनाथ दुग्ध का प्रयोग, समय आपने पढ़ा है ना व्याधि विपरीत में, व्याधि विपरीत आर्थकारी, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो अतिसार चिकित्सा में तो वहाँ पित्त अतिसार में इसका इंडिकेशन आया है कि वहाँ विरेचन के लिए देना है, जब पित्त बढ़ा हुआ हो और ऐसी ऐसी कंडीशन हो फिर वहाँ पर देना, ऐसा नहीं कि आप हर प्रकार के अतिसार में आप दुग्ध पिला के विरेचन करवाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना, शास्त्र में इंडिकेशन है तो कहीं कंट्रा इंडिकेशन, कहीं हृदय रोग में कहा कि वमन का निषेध है तो आप सिद्धि स्थान उठा के पढ़ेंगे तो कहीं हृदय रोग में वमन बताया भी गया, एक जगह कहीं निषेध बताया तो दूसरी जगह उसको किस कंडीशन में दे सकते हैं, जब कफ की बहुत बड़ी ही बड़ी हुई अवस्था होगी और रोगी का प्राकृत बल होगा तो वहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में निषेध कर दिया। और ये अगर आप लोगों ने कभी पंचकर्म प्रोसीजर असिस्ट कराया होगा, वमन कर्म देखा होगा, तो जिस समय वमन का वेग आता है उसमें जो रोगी होता है उसकी हार्ट बीट और उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि अगर हृदय रोगी है तो क्यों मना किया है, क्योंकि ऑलरेडी उसको समस्या है, टेकीकार्डिया की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ऐसे में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ अत्यधिक अवस्था उत्पन्न हो सकती, इमरजेंसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती, तो जैसा शास्त्र में कहा गया है उसका विशेष रूप से ध्यान, हर चीज़ संकेत रूप में कही गई है, ये वैद्य की बुद्धि पे है कि वो युक्ति का प्रयोग करके किस तरह से उसका प्रयोग करता है, और युक्ति आती है काम करते हैं, जितना ज़्यादा आप काम करते हैं उतना आपको आत्मविश्वास आता है। आगे चलते हैं, सम्यक लंघन के लक्षण, वात मूत्र पुरीक्षण और विसर्गीय गात्र लाभ, इस व्यक्ति के शरीर से अधोवायु मूत्र पुरीष इनका विसर्ग इनका त्याग आसानी से हो रहा है, गात्र लाग में शरीर में हल्कापन उत्पन्न हो गया, लघुता उत्पन्न हो गई, हृदय उद्गार कंठास शुद्ध, जो उद्गार हो रहा है वहाँ पे शुद्धि हो गई, हृदय प्रदेश में उसको हल्कापन शुद्धि महसूस हो रही, कंठ आस गले में मुख में है ना उसको अच्छा महसूस हो रहा है, तंद्रा क्लमे कहते हैं जिसके शरीर से तंद्रा जा चुकी हो, क्लम बिना काम किए जो थकावट होती है उसको क्लम कहते हैं, आप सुश्रुत शारीर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर सबकी परिभाषा आचार्य ने दी गई है कि क्लम क्या है, श्रम क्या है ना। उसके बाद स्वेदे जाते हैं रुचि, जिसके अंदर स्वेदन हो जा रहा हो और रुचि उत्पन्न हो गई, भोजन के प्रति इच्छा उत्पन्न हो गई है, क्षुद पिपासा सह हो गई, और जिसको भूख और प्यास सह उदय सबोदय गुण संधि है यहाँ सहधन उदय एक साथ उदय हो गई है, एक साथ जिसको भूख और प्यास दोनों लग गई, कृतम लग्नम आदेश्यम, ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि अच्छे से इसका लग्न हो गया है, निर्व्यथे च अंतरात्मा, और ये भी समझना कि उसके अंदर कोई व्यथा नहीं रहे, कोई रोग नहीं रहे, कोई कष्ट नहीं रहे, क्योंकि जब तक लंघन नहीं हुआ रहेगा तो भूख लगेगी ही नहीं, ऑलरेडी आपके शरीर में इतना कैलोरी डिपॉजिट है,
जितना कैलोरी आपने स्टोर कर रखी है तो दोबारा कैसे इंटेक करेंगे जब तक उसको आप बर्न नहीं। विमर्श में आएंगे, आचार्य वाग्भट का एक सूत्र लिखा है तीसरी पंक्ति में। वाग्भट ने एक साथ भूख और प्यास का लगना बताया है। विमल इंद्रियता सर्वोमला नाम लागव रुचि छुट तृप्त स हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना प्राचार्य का भी सूत्र है। सृष्ट मारुत गिण मूत्रम छुट पिपाशा साम लघुम प्रसन्नात्मेन्द्रियम क्षामम नरम विद्या सुलभ। अब आचार्य ने केवल सम्यक लंघन का ही नहीं बताया, अगर अति लंघन हो जाए तो उसके लक्षण कैसे मिलेंगे। देखिए पर्व भेदो जितने भी ज्वाइंट्स हैं उसमें पीड़ा होती है। अंग मर्दश्च आप देखिए अति लंघन का मतलब क्या है, क्रोनिक स्टारवेशन, लंबे समय तक इसको आप भोजन बराबर नहीं दे रहे। तो अंग मर्द आया था क्षुधा के वेग धारण में, आया था ना क्षुधा के वेग धारण। जब एनर्जी बराबर नहीं रहती है तो मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं अपने आप, है ना। तो देखिए अंग मर्द यहाँ कासह सोसो मुखस्य, खांसी भी आ सकती और मुख में सोस हो जाएगा, मुंह सूख जाएगा। क्षुत प्रणासो भूख लगनी बंद हो जाएगी, अगर आप लगातार 5-10 दिन भोजन ना करें तो फिर भूख लगनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जठराग्नि को चलने के लिए ईंधन चाहिए ना, ईंधन यानी आहार चाहिए। जब आहार देंगे ही नहीं तो आवश्यकता ही नहीं। आप ये भी जानते हैं अगर आप मॉडर्न साइंस हम लोगों ने पढ़ा है कि वहाँ पे डिसयूज एट्रॉफी होता है, ओवरयूज हाइपरट्रॉफी होता है। जिस अंग का आप उपयोग नहीं करेंगे वो धीरे धीरे वेस्टिजियल होता जाएगा, उतना काम नहीं करेगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा शरीर और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज है। अगर हम जॉगिंग नहीं करते हैं, हम दौड़ नहीं लगाते हैं, हम कोई भी मेहनत का काम नहीं करते हैं तो हमें अपने शरीर के बल की शक्ति का अनुमान उस समय होता है जब हम रेलवे स्टेशन पर होते हैं और एलिवेटर ना हो और हमें 1 नंबर से 10 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना हो, उस समय हमें अपने बल का अंदाज़ा होता है कि देखिए हमने अपने शरीर का उपयोग किया ही नहीं। तो अब ये क्या हो रहा है, इसकी जो फिजिकल एक्टिविटी करने की दर है, जो शक्ति है, वो कम होती जा रही है। और जितना कम आप काम करेंगे उतने ही शक्तिहीन होते जाएंगे, है ना। आगे चलिए छुट प्रणासो अरुचि ही भूख नहीं लगेगी, आपको इच्छा नहीं होगी खाने की। कृष्णा प्यास लगेगी। दौर्बल्यम स्रोत्र नेत्रो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, आपकी जो ज्ञानेन्द्रियाँ, यहाँ स्रोत और नेत्र को कहा आचार्य, लेकिन आपको ऐसे समझना कि आपकी ज्ञानेन्द्रियाँ प्रॉपर वे में काम नहीं करें। मनसा संभ्रमो, जो मन है वो भी भ्रम में हो जाए क्योंकि एनर्जी लेवल रहेगा ही नहीं। और मन से अगर माइंड लें तो ब्रेन को आप जानते हैं कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है, अगर बराबर उसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो काम नहीं करेगा। ऊर्ध्वातस तमोह, और जो वायु अनुलोम रहती है उसका जो उसकी दिशा है वो अनुलोम है तो वो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वा हृदय प्रदेश तक आएगी। और क्या होगा, देह अग्नि बल नाशस्थ, शरीर का देह बल का अग्नि बल का नाश हो जाएगा, यानी कि देह बल कम हो जाएगा, अग्नि बल कम हो जाएगा। लंघने अतिकृत्य भवे, इसलिए ज़्यादा लंघन नहीं करना, सम्यक लंघन तक रहना है, अति लंघन पर नहीं जाना, ठीक है। जब ग्लूकोज कम होगा मसल से फैटीग आएगी ना, आप जानते हैं कि बाद में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करने से भी, और अगर मसल्स में ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो पर्वभेद भी होगा, अंग मर्द भी होगा। और लॉन्ग टर्म में आप देखिए ना, जब मांस क्षय हो जाएगा तो आपको ये समस्या आ रही, ठीक है। मेद क्षय हो जाएगा, संधि नाम स्फुटलम ग्लानि अक्षणो आया से उच्च, शास्त्र में अभी 17वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, जो 18 प्रकार के क्षय, तो संधियों में स्फुटन तो वैसे ही शुरू हो जाता है मेद के क्षय होते ही। और आप अगर अति लंघन करेंगे आने वाले समय में मांस और मेद सबका क्षय, तो जब सबका क्षय होगा तो पर्वभेद तो होना है। थर्टी उचित ग्रहण के लक्षण देखिए, बलम पुष्टि उपलम्बश्च कार से दोष विवर्जनम, कैसे जाने कि ग्रहण अच्छे से हो गया है, जो कार से दोष है, जो कृशता है वो समाप्त हो गई,
और शरीर में बल उत्पन्न हो गया, धातुओं का पोषण हो गया, पुष्टि हो गई है और उपलम्ब पुष्टि उपलम्ब उसकी प्राप्ति हो जाती है आपको पुष्टि। और लक्षणम ब्रीत, ये ब्रीहन के लक्षण है। और स्थौल्यम अतिचात्यर्थ ब्रीत, आचार्य ने वहाँ ये भी बता दिया है कि अगर स्थूलता उत्पन्न हो जाए तो ये समझ जाइए कि अतिब्रीहण हो गया। जब स्थूलता का दोष आने लगे तो आपको समझना है कि आपने ग्रहण ऑप्टिमम से ज़्यादा कर लिया, जितना हमें डिजायर्ड है उससे ज़्यादा। आगे देखिए, रुक्षणों स्तंभन कर्म के लक्षण, तो आचार्य लिख रहे हैं कृत अतिकृत यानी सम्यक योग और अति योग लिंगम यानी लक्षण यद लंगिते तद्वि रुचित, जो रुक्षण के लक्षण है अतिरुक्षण के सम्यक लक्षण, अगर रुक्षण के सम्यक लक्षण जो है वही लंघन के सम्यक लक्षण, और जो अतिरुक्षण के लक्षण है वही अतिलंघन के, ऐसा आचार्य का कहना है। कृत और अतिकृत दो शब्द आए, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। स्तंभिता स्याद भले लभ्य यथोक्तई च आमयी जितई। और 40 नंबर का सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। स्तंभन का अतियोग है, स्यावता स्तब्ध गात्रत्व उद्वेगो अनुसंग्रह हृदवर्चो निग्रह स्याद अति स्तंभित। अब स्तंभन में क्या होगा कि जो दोष धातु मल है उसका जो फ्लोइंग है वो स्लो, सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा इस तरह, है ना। तो वहाँ पे सबसे पहले स्यावता होता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर कहीं ना हो तो साइनोसिस हो जाती है, स्यावता का ही एक गेम। स्तब्ध गात्र तुम स्टिफनेस आ जाएगी, उद्वेग मन में भी ऐसा व्याकुलता होगी, उद्वेग आएगा। अनुसंग्रह, अब देखिए अत्यधिक स्तंभन का है, जो मूवमेंट है हमारा टेम्पोरोमैक्सिलर जॉइंट, इसका मूवमेंट टिटेनस में यही तो होता है, लाख जा जिसको बोलते हैं, अनुसंग्रह मतलब लाख जा। और हृदय वर्चो निग्रह, तो हृदय आपका अच्छे से कार्य नहीं करेगा क्योंकि सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, और वर्च यानी कि पुरुष की प्रवृत्ति अच्छे से नहीं होगी, ये सब स्तंभन के लक्षण। आगे आएंगे षड्विद चिकित्सा के बारे में, 42 में लिखा आचार्य ने कि इति षट सर्व रोगाणाम प्रोक्ता सम्यक उपक्रमा, ये 6 प्रकार के उपक्रम सभी तरह के रोगों में काम आ जाते हैं। साध्यानाम साधने सिद्धा, जो साध्य व्याधि है ना उनको सिद्ध करने के लिए, कहीं भी आचार्य ने असाध्य व्याधियों की ट्रीटमेंट की बात नहीं की, प्रत्याख्य तक बात कर ली कि चलो नहीं है तो थोड़ा सा उसके परिवारजनों को बताते हुए कुछ करिए, लेकिन असाध्य अगर निर्देश दे दिया कि अब इसका ट्रीटमेंट नहीं करना है तो वहाँ हर जगह उन्होंने कहा साध्यानाम साधने सिद्धा, जो साध्य रोग हैं उनको साधित करने के लिए, उनकी चिकित्सा करने के लिए मात्रा काल अनुरोध है। इसमें क्या आचार्य ने अनुरोध किया है, मात्रा और काल का ध्यान रखना है। अगर मात्रा और काल का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये सर्विद पत्र कोई आपके काम नहीं आने वाला, इसका ध्यान। आगे आएंगे आखिरी में आचार्य ने इसका समराइज करते हुए कहा, दोषाणाम बहुसंसर्गात संकीर्यन्ते ही उपक्रमा सतत्वं तु न अतिवर्तन्ते तृत्वं वातादयो। आचार्य कह रहे हैं कि दोष के संसर्ग, दोष के संनिपात, दोषों की अंशांश कल्पना से आप अनेक तरह के उपक्रम बना सकते हैं, कितने भी टाइप का आप ट्रीटमेंट का डिजाइन कर सकते हैं, बट कितना भी कर लीजिए सतत्वं तु न अतिवर्तन्ते, ये 6 को पार नहीं कर सकता, उसकी कैटेगरी इन 6 में ही समाहित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि तृत्वम वात आदि। और दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी रोग होगा तो वो वात पित्त कफ का अतिक्रमण नहीं कर पाएगा, उसके बाहर का हो ही नहीं सकता, रोग होने के लिए दोष की विकृति होनी जरूरी है, वात पित्त कफ उन्हीं को टारगेट लेके ये षड्विद उपक्रम बताया गया। तो जब आप दोष की लिमिट क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो आप ये षड्विद उपक्रम को भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, आप कैसा भी डिजाइन कर लीजिए ट्रीटमेंट दोष, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्या सवाल है आपका, प्रत्यक्ष और असाध्य में अंतर है क्या? एक्चुअली प्रत्यक्ष में थोड़ा सा ये लिया जाता है तो असाध्य का ही भेद, असाध्य का ही भेद है यहाँ पे और प्रत्यक्ष में, तो वहाँ पे आचार्य ने कहा है लेकिन अगर केवल असाध्य कह देंगे, प्रत्यक्ष नहीं कह रहे हैं, तो ट्रीटमेंट की सुलभता की दृष्टि से आचार्य ने कैटेगराइजेशन किया है, लेकिन उन्होंने प्रथम अध्याय में भी कहा है साधनम न तो असाध्यानाम व्याधि नाम उपदिश्य, कोई साधन नहीं। तो हमें यही समझना कि जिसका ट्रीटमेंट
जो ब्याज ट्रीटमेंट करने लायक ही नहीं है उसमें क्या ट्रीटमेंट करें। लेकिन गांव में बहुत सारे चिकित्सक या कहीं और होते हैं जो अपने क्लिनिक के बाहर लिखते हैं यहाँ असाध्य रोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है, असाध्य रोगों की चिकित्सा की जाती है। क्योंकि रोग असाध्य है तो क्या क्या युक्ति करोगे आप, आप क्या युक्ति करोगे? एक्चुअली जो क्रियाकाल बताया गया है वो आचार्य ने इसीलिए बता दिया। कोई भी व्याधि एक दिन में तो सडन ऐसे नहीं होगी ना, कुछ इमरजेंसी कंडीशंस को छोड़ के बाकी कोई भी व्याधि सडन नहीं होती है जिसमें एक दिन दो दिन का ही टाइम मिले। जो जितनी बड़ी व्याधि है उसकी संप्राप्ति उतनी आगे चलती। तो जब संचय अवस्था है, प्रकोपावस्था है, प्रसरावस्था है, व्यक्तावस्था है, भेदावस्था है, स्थान संश्रय की अवस्था है, तो वहाँ आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया? अब जब पूरे छह क्रियाकाल पार कर गए तब अब आप क्या करोगे? सुश्रुत ने कहा है ना, अप्राप्ते व क्रियाकाले प्राप्ते व न कृता क्रिया। जब जरूरत थी तब आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, अब आपको हम असाध्य का ट्रीटमेंट करेंगे, तो जो असाध्य है उसको कैसे आप साध्य करोगे? ठीक है, आगे चले। अब हम संदर्पणी अध्याय ले रहे हैं जो 23वां अध्याय है सूत्रस्थान का। जैसा कि मैं हर बार आपको बताता रहता हूँ कि आज के समय में जितनी भी व्याधियाँ हो रही हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 98-99% जो व्याधियाँ वो संतर्पण जन्म हो, वो चाहे स्किन से रिलेटेड हो, वो चाहे GIT से रिलेटेड हो, मतलब हमारे महास्रोत से हों, पाचन तंत्र से हों, कहीं की भी व्याधि है। क्योंकि हमें पता है कि जो स्रोतो दृष्टि होती है उसमें चार ही प्रकार होते हैं। क्या होता है? अति प्रवृत्ति संगोवा शिराणाम ग्रंथ हो गया, बीमार गमनम चापी तो तथान दृष्टि। उस संदर्पण जन्य जितनी व्याधियाँ हैं सब ने यह समझा। अभी हम देखते हैं, विचार करते हैं। देखिए संदर्पण जन्य व्याधियों का जो निदान लिखा हुआ है सूत्र क्रमांक 3 और 4 में, वो लगभग प्रमेय से मिलता हुआ। ठीक है, हम अपने ऑनलाइन जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो दर्शकगण हैं, उनको बताना चाहेंगे कि हम इस समय संतर्पणी अध्याय चरक सूत्र 23 जो चैप्टर है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ लाइन पर बने रहेंगे और लाइव लेक्चर अटेंड करते रहेंगे। तो देखिए आचार्य ने क्या बताया, संतर्पयत यह स्निग्धई ही मधुरई ही गुरु इच्छि। क्या ले रहा है व्यक्ति? स्निग्ध मधुर गुरु इच्छि नवान नई। नवीन अन्न जो है ऑलरेडी उसमें पिछिलता और गुणता बहुत ज़्यादा है। नव मध्यश जो मध्य कल्पना है या हम आसवरिष्ठ कहें, ये जितने पुराने होते हैं उतनी इनमें लघुता और विशुद्धता बढ़ती जाती है। तो जो इनमें गुरुता है वो शरीर में ग्रहण करने वाली, संतर्पण करने वाली, जो तो पुराना हो जाएगा तो उसमें लघुता होगी तो वो उतना ग्रहण या संतर्पण नहीं करेगा। मानसहिश्च अनुकुवारी, देखिए अनुप्रदेश में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं या जो जलीय पशु पक्षी हैं उनका मांस जीव जीव गोरसई, गोरसई मतलब होता है दूध और दूध से बने हुए बाकी प्रोडक्ट। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मिल्क केक और मलाई बर्फी का प्रयोग करने के लिए वजन बढ़ाने के लिए मिल्क जो प्रोडक्ट है वो वेट गेन का। ठीक है, गौड़ीकई, गौड़ीकई मतलब गुड़ से बने हुए पदार्थ। अन्नई पष्टिकई, कैसा अन्न? पीठी वाले पीसे हुए अन्न। कैसा सेवन करेंगे? अति मात्रशः। एक बार अगर नवीन अन्न है, कफवर्धक अन्न है, पिच्छिल अन्न है तो उसकी मात्रा कम करें। तो अति मात्र सही, ऐसा नहीं किसी ने 2 चम्मच नया चावल खा लिया तो उसका वेट अगले दिन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन नए चावल का 2-3 महीने लगातार प्रयोग करेगा तो बढ़ेगा ही, संतर्पण तो उसका होना है। अगर एक दिन आप मिठाई खाएंगे, अभी दिवाली आने वाली, तो उतना वेट नहीं बढ़ेगा, 1 हफ्ते तक खा के देखिए। हमारे त्यौहार ही हमें कृष्ण ही होने देंगे, संतर्पण कर देते हैं, भारत त्यौहारों का देश है। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या हितकर है, हमारा जो शरीर है वो किस तरह के आहार के लिए बना हुआ है, उसी तरह का आहार है। आगे देखते हैं, तो नवान नहीं हो गया, आगे चलते हैं। चेष्टा द्वेषी, अब देखिए पहले आचार्य ने 3 लाइनों में भोजन की बात की, आहार की बात, अब विहार में आए तो चेष्टा द्वेषी सबसे पहले कहा।
चेष्टा द्वेषी मतलब जो व्यक्ति अपना एक भी काम खुद से नहीं करना चाहता। विद्यार्थी जीवन में तो बहुत सारे काम खुद से करने पड़ते हैं, तमाम वाहन वाहन भी अपने पास नहीं होते, और ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास सुविधाएं बहुत हों और हम चेष्टा द्वेषी हो जाएं, किसी भी काम को करने में हमें समस्या हो, है ना। दिवा स्वप्न, दिन में सोए रात में जगते हैं हम लोग, व्हाट्सएप और फेसबुक पर समय व्यतीत करते हैं लेट नाइट, और उसके बाद दिन का समय सोने में प्रयोग करते हैं, दिवा स्वप्न। और सैया आसन सुखे रहता है, ये तो अच्छा है कि दिल्ली मेट्रो में जो आसन है, जो सीट है, उसमें कुशन नहीं लगा हुआ, नहीं तो हम लोग क्या पसंद करते हैं कि बढ़िया सोफे जैसे यहाँ पर रखे हुए हैं, इस तरह की बात हो बैठने, है ना। ऐसे सुखपूर्वक आसन में बैठा रहता है, मतलब लाल कलर में बैठा रहता है, लेटा रहना चाहता है रोग। और रोगा तस्ोपजायंते संतर्पण, जो व्यक्ति इतने भावों का, इतने निदान का सेवन करेगा, कारणों का सेवन करेगा, उसको जो रोग होंगे वो संतर्पण मिलेगा, संतर्पण वाले होंगे। आगे चलेंगे। अब देखिए, अगर आपके मन में सवाल आ जाए, उसके पहले आचार्य ने जवाब दे दिया कि संतर्पण जनक रोग वो कौन कौन से हैं। देखिए, प्रमेह है सबसे पहले, फिर पीड़िका, आज के समय में छोटी छोटी फुंसियाँ और इस तरह की चीज़ें बहुत हो रही हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो वहाँ मांस और दूसरे विकार में, विकार में विविध असित तृतीय अध्याय में जब आप धातु प्रदूषित विकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मेद प्रदूषण, मांस प्रदूषण विकार मिलेगा। फिर आगे है कोट, कंडू, हमने क्या कहा जो स्किन डिजीज हो रही है वो भी संतर्पण जन्य, कंडू देखिए कफ के कारण होता है। पांडू, जब आप रस प्रदूषित विकार पढ़ेंगे और रक्त प्रदूषित पढ़ेंगे तो वहाँ पांडू रस प्रदूषण विकार में, एक बार अवलोकन करेंगे जरा, विविध असित तृतीय अध्याय खोलिए आप 28वां, वहाँ पर रस प्रदूषण विकार में देखें पांडू है और रक्त प्रदूषण में काम है। अवलोकन करके बताएं 28वें अध्याय में जहाँ लास्ट में आखिरी में धातु प्रदूषित विकारों का वर्णन है, वहाँ रस प्रदूषित विकार में देखें पांडू है ना, पांडू रस प्रदूषक में है, कामला रक्त प्रदूषक में। क्यों है पांडू रस प्रदूषक में, क्योंकि जब रस ही नहीं बनेगा तो रक्त कैसे बनेगा, रस ही विकृत हो जाएगा तो रक्त तो नहीं बनेगा ना, ऐसा। और रक्त प्रदूषक में कामला शायद इसलिए लिया होगा कि पित्त की प्रधानता से होता है और रक्त का मल पित्त है, तो जब रक्त सही नहीं होगा, धातु ठीक नहीं होगी, तो उसका मल भी ठीक नहीं होगा, इस सिद्धांत पे आचार में हो सकता है कहा। नहीं, लेकिन उसको रस प्रदूषण में रखा है, और दूसरा आचार्य ने लिखा, आचार्य सुश्रुत ने लिखा है कि रस निमित्त में वो स्थावल काश, स्थूलता और कृष्णता भी रस के निमित्त ही रसू, तो हो सकता है पूर्व धातु का पोषण अच्छे से नहीं हो रहा है तो अगली धातु अच्छे से नहीं बने। फिर क्या है, ज्वर, ज्वर भी संतर्पण जन्य है, पूरे देश में मुझे नहीं लगता 2-4-10% लोगों को छोड़कर ऐसा कोई व्यक्ति होता हो जिसको 12 महीने में कभी न कभी किसी न किसी रूप में ज्वर ना आता हो। ज्वर स्वतंत्र व्याधि के रूप में भी आ सकता है, ज्वर एसोसिएटेड किसी व्याधि में भी आ सकता है, तो संतर्पण जन्य है, क्योंकि आम की उत्पत्ति होगी ना, इनडायरेक्टली क्या समझ रहे हैं, कफ बढ़ रहा है, आम दोष की वृद्धि हो रही है। आपको कोई प्रश्न है? अच्छा, फिर देखिए कुष्ठानी, जितने सेवरल टाइप्स ऑफ स्किन डिजीज, अभी देखिए फंगल इन्फेक्शन पिछले 2-3 सालों से देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कुष्ठानी मतलब एनी टाइप ऑफ स्किन डिजीज। आम प्रदोषाश्च, आम दोष में अलसक और विसूचिका की बात होती है। मूत्र पृच्छम अरोचकः, ये मूत्र पृच्छ और अरोचक आपको संतर्पण में भी मिलेगा और अपतर्पण में भी मिलेगा। तंद्रा, जब भोजन इतना ज़्यादा कर लेंगे कि वो पाचन के पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो तंद्रा तो होगी नहीं, रस ऐसा जीर्ण रहेगा। और दूसरा, इसको ऐसे भी समझें, संतर्पण जन की अगर हम फिजियोलॉजी की दृष्टि से देखें, मानव
तो ब्रेन को लगभग 20% ब्लड सप्लाई होती है और जो हमारा महास्रोत है उसमें 35% के आसपास है। जब आप भोजन करते हैं या जब इंडाइजेशन की अवस्था रहती है, भोजन महास्रोत में गतिमान रहता है, ऐसी स्थिति में जो ब्लड सप्लाई है, ये नेचुरल टेंडेंसी है शरीर की कि जहाँ आवश्यकता ज़्यादा होती है ब्लड फ्लो उधर ज़्यादा होता है। तो जैसे ही आप भोजन करते हैं, सामान्य मात्रा में करते हैं तो उसकी गतिविधि अलग होती है और अत्यधिक मात्रा में करते हैं तो उसकी गतिविधि अलग होती है। कैसे होती है आप समझने का प्रयास करें। जब ब्लड फ्लो GIT की तरफ नॉर्मल रहता है तब तो सब कुछ नॉर्मल चलता है, लेकिन आपने अव्यवहारण ज़्यादा कर लिया, भोजन ज़्यादा कर लिया, तो अब वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है उस आर्गन को, पार्टिकुलर आर्गन को काम करना। तो जो ब्लड सप्लाई ब्रेन को जा रही थी वो थोड़ी सी कम होती है। जब थोड़ी सी कम होती है तो ब्रेन सेडेशन में जाता है, इसीलिए आपको भोजन करने के बाद तंद्रा या निद्रा आने लगती है। और अगर आप हल्का करेंगे, भोजन कम करेंगे तब ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप भरपेट खाएंगे या ओवरडोज लेंगे तो आपको ऐसी स्थिति आएगी क्योंकि ब्रेन को सप्लाई जाएगी ही नहीं, सब तो GIT की तरफ जा रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्लैप्यम, आप देखिए वहाँ अति स्थूलता के दोष में भी था, पृच्छ व्यवायता शब्द आया था। अति स्थौल्यम, स्थूलता बढ़ेगी। आलस्यम, गुरु गात्रता। इंद्रिय स्रोतसाम लेपो, जो इंद्रियां हैं जो स्रोतस है उसमें ऐसा कुछ आवरण हो जाएगा, कुछ अवरोध हो जाएगा। बुद्धे मोहा प्रलीन कर, बुद्धि मोहग्रस्त हो जाएगी। और एक बहुत अच्छा शब्द आया है प्रमीलक, प्रमीलक की आचार्य ने व्याख्या की है कि एक ही चीज में ध्यान लगाए बैठे रहना, एक ही विषय को सोचते रहना, प्रमीलक सप्तम प्रध्यान। और मैं आपको बताऊं विधि श्रोणिति अध्याय में रक्तज विकार भी है, आप बाद में चाहे अवलोकन करेंगे, जो रक्तज रोग है वहां पर प्रमीलक शब्द आया है। ठीक है। शोक, शोकश्च एवं विधाश्च अन्य शीघ्रम अप्रतिकूल, तो अगर आपने शीघ्र चिकित्सा नहीं की संदर्पण जन विकारों की या संदर्पण जन जो रोग हो रहे हैं तो ये रोग अपने आप उत्पन्न हो जाए। तो जैसे ही संदर्पण अत्यधिक हो जाए या हमें लगे कि बहुत ज़्यादा संदर्पण हो रहा है उसकी तुरंत चिकित्सा करें। नहीं, यहाँ पे जो है कि एक ही विषय का ध्यान करता रहता है, ऐसा कुछ है। वहाँ पे चिंतन शब्द आया है, वहाँ पे चिंतन आया है, यहाँ प्रमीलक आया है, ये क्योंकि रक्तज विकारों में भी है तो आप इसको देखें। इसका और भी विस्तृत कुछ निकल सकता है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि एक ही विषय में कैसे ध्यान लगाएं, सप्तम प्रध्यान। अब आएंगे सप्तम प्रजन्य रोगों की सामान्य चिकित्सा। सस्तम उल्लेखनम, तब फिर देखिए बिना कुछ सोचे पहली ही लाइन आचार्य ने लिखा, यहाँ क्या प्रशस्त है, क्या श्रेष्ठ है, उल्लेखनम यानी वमनम। क्यों लिखा वमनम, क्योंकि यहाँ कब की प्रधानता है, संदर्पण जन्य रोगों में। उल्लेखनम, तत्र विरोको रक्तमोक्षण, फिर आगे विरेचन कराना है और रक्तमोक्षण कराना। मैं आपको बताऊं कि जो विरेचन है ये हाइपर कोलेस्ट्रीमिया का सबसे अच्छा संशोधन चिकित्सा, सबसे चटिल। कैसे है, अगर आप किसी व्यक्ति का जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है, अगर उसको नित्य प्रति यानी महीने में एक बार भी विरेचन कर्म करवाते हैं तो उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है या लिपिड प्रोफाइल का है वो मेंटेन है। विरेचन सबसे अच्छा ट्रीटमेंट, क्योंकि विरेचन किस दोष को हरण करता है, पित्त हरण। और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस किससे होती है, लीवर में ही सिंथेसिस होती है ना, बाइल से ही होती है। तो विरेचनम पित्त हरण, इतना सीधा सिद्धांत है। कहीं कहीं आधुनिक वैद्य शास्त्र और आयुर्वेद का ऐसा सामंजस्य बैठता है कि हमें पूरी बातें क्रिस्टल क्लियर होती है। अगर हम विरेचन कराएंगे तो लिपिड प्रोफाइल की जो वैल्यू है वो ना, इसीलिए जो हृदय रोग है उसका विरेचन कराने का प्रयास करना चाहिए, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो रही है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। ठीक है, रक्तमोक्षण भी करवाना है, क्योंकि जब रक्तमोक्षण होगा तो जो सर्कुलेटिंग फैट है, आप जब चरक निदान पढ़ेंगे तो वहाँ पे अबद्ध मेद का कांसेप्ट है। एक बद्ध मेद है जो सबक्यूटेनियस फैट है, जिसको आप एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। एक अबद्ध मेद है जो सर्कुलेटिंग फैट मटेरियल है वो।
लिपिड्स हैं वो घूम रहे हैं ना ब्लड के साथ, तो रक्तमोचन कराने से भी उसमें लाभ मिलेगा संपर्कों में। तो ऐसे लोग जो रेगुलर ब्लड डोनेशन करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा संतर्पण हो रहा है तो उनको करना चाहिए। फिर है व्यायाम, व्यायाम तो अति आवश्यक है। उपवास, कभी कभी अन्न का निग्रह भी करना है। धूमाच स्वेदनानि, धूम द्रव्यों का सेवन करना है, उससे धूम लेने से कफ की कमी होती है, मेद की कमी होती है। और स्वेदन लेना आगे आगे। सरचौद्र अभ्यास, वहाँ पर हरिकी का प्रयोग आचार्य ने बताया और शहद के साथ बताया। शहद या मधु अपने आप में रुचिता करेगी, लघु गुण होता है, और हरिकी भी करेगी क्योंकि कसाई रस की प्रधानता है उसमें, उष्णवीर है, रुचिता है, तो हरिकी का ठीक है। और प्रायोरुच्छान्य सेवन, तो ऐसा व्यक्ति जो संदर्पण जन्य रोगों से पीड़ित है फिर वो रोटी में बटर ना लगाए, आलू का पराठा कभी कभी खाए या ना खाए, और खाए भी तो उसमें बटर लगा के दही के साथ ना, जैसा हम पिछले दो तीन दिनों से लेक्चर से ऐसी बात कर रहे हैं। और चूर्ण प्रदेह ये चौकता कंडू कोट विनाशक, और जो भी चूर्ण और जो प्रदेह का मर्दन किया है वो कंडू और कोट नाशक, ये बात कर रहे हैं जो आपका आरगवधि अध्याय है उसमें वर्णन किया है। 32 टाइप्स ऑफ सिद्धतम चूर्ण प्रदेह का वर्णन है ना, दूसरे अध्याय में 28 प्रकार की यवागु का वर्णन अपामार्ग कंडुली अध्याय, और वहीं आरगवधि अध्याय में 32 प्रकार के चूर्ण प्रदेह का वर्णन, उसकी बात कर रहे हैं जो हमने वर्णन किया उसमें से जो कंडू कोट विनाशक हमने बताया उसका प्रयोग। फिर कुछ योग आए हैं इनका केवल नाम हमें ध्यान रखना है। त्रिफलादि क्वार बताया आचार्य, मुफ्तादि क्वार बताया, और उसकी आखिरी पंक्ति है ए विच उद्वर्तन उद्वर्तन हर्ष स्नान योगोपयोगी तई त्वक दोषा प्रसन्नयाति तथा स्नेहो। पुष्टादि चूर्ण एक बहुत अच्छा योग है ये, लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें किसी पक्षी की हड्डी का चूर्ण मिला है। पुष्ट गो मेद को हिंदू क्रौंच अस्थि, बस यही ध्यान रखना है क्रौंच अस्थि, क्रौंच पक्षी की अस्थि है। त्रि उष्णम वचा आगे है, तक्रेण दधिमंडेन बदल अम्ल रसेन वा मूत्र पृच्छम प्रमेहम च पीतम एतद् व्यपोहति। अंडरलाइन करेंगे मूत्र पृच्छम प्रमेहम च पीतम एतद् व्यपोहति, किसके लिए आया है कि पुष्टादि चूर्ण। गोमेद मणि है इसमें, हिंगू है, और क्रौंच पक्षी की अस्थि। अब देखिए आचार्य ने यहाँ प्रमेह चिकित्सा बताया, तक अभया प्रयोग त्रिफला या तथा अरिष्टा नाम प्रयोग यान्ति मेहादयस्। तो तक्र का प्रयोग, हरण का प्रयोग और त्रिफला का प्रयोग, साथ में जो आसव वरिष्ठ हैं उनका प्रयोग करने से प्रमेह आदि रोग। तो कौन से आसव वरिष्ठ, जो प्रमेह चिकित्सा में बताए जाए वहाँ पे मध्य आसव रुद्र आसव वर्णन। फिर है त्रिउष्णालिमन, जिसका हमें नाम याद रखना। फिर व्योषादि सक्तु है, उसमें विशेष रूप से 21 नंबर की लाइन देखेंगे, सक्तु नाम षोडश गुणों भागा संदर्पणम पीले, अंडरलाइन करेंगे 16 गुणा जो का सत्तु लेना है इसमें। प्रयोगाद अस्य साम्यंती रोगा संतर्पण गुप्तता प्रमेहा मूढ़वाता पुष्टानि अर्शांश कामला प्लीहा पांडुआ मेह सोखो मूत्र पिक्षम अरोच कर हृदय रोगो राजक्षमा चय काशा श्वासो गलत ग्रह कृमियो ग्रहणी दोषा स्वेत्रम स्वित्र की भी इसी में चिकित्सा है स्थौल्यम अतीव च नराणाम दीप्यते च अग्नि स्मृति बुद्धिश्च वर्ण। तो ये देशवादी शक्ति के लिए इतनी सारी लाइनें कही गई। अब आगे आएंगे संदर्पण जो जन्य रोगों में आहार और विहार, ध्यान दीजिएगा। व्यायाम नित्य, हम क्या करते हैं सबसे पहले औषधि पे पहुंचते हैं। जो स्थूल व्यक्ति आपके पास आएगा वो हमेशा आपसे, क्योंकि आप वैद्य हैं तो आपसे सबसे पहले औषधि की बात करेगा। आचार्य क्या कर रहे हैं, व्यायाम को सबसे पहले क्या देखना है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना। जीर्णासी बहुत बढ़िया बात हुई है कि जब पहले खाया हुआ भोजन जीर्ण हो जाए तभी, अध्यसन नहीं करना है। वेट गेन करने में एक बहुत बड़ा कारण है, हम लोग घर में होते हैं कहीं होते हैं हमारे यहाँ तमाम चीज़ें खाने पीने की सबके यहाँ आप क्या रखी है, फ्रिज में कुछ फ्रोजन आइटम रखा है कहीं, तो हमारी इच्छा होती है हम शुरू करते हैं, हम इस चीज़ का विचार नहीं कर रहे हैं कि जो दो घंटे पहले खाया था उसका क्या। तो जीर्णासी, भोजन पच जाए तभी भोजन पच जाए।
यव गोधूम भोजन, भोजन में किसका प्रयोग करेंगे, यव का प्रयोग, गोधूम का करेंगे। गोधूम ऐसा है जो संतर्पण जन्य के कारण में भी है, संतर्पण जन्य रोगों के निवारण में भी, तो उसको ऐसा समझना है कि जो नवीन अन्न होगा वो संतर्पण करेगा। क्योंकि हमने एक दिन और बात की थी कि सुख धान्यम समी धान्यम समातीतम प्रशस्यते, ऐसा आचार्य ने 26वें अध्याय में लिखा, जहाँ द्वादश वर्ग बताए हैं वहीं लिखा है सुख धान्यम समी धान्यम समातीतम प्रशस्यते। आचार्य चक्रपाणी ने समातीतम की जो व्याख्या की है वो किया कि लगभग एक वर्ष पूरा, लेकिन जब जब माल कल्चर डेवलप हो गई, पहले क्या होता था कि घरों में हम स्टोर करके रखते थे साल भर का अनाज, इवन अगर अगले 6 महीने भी चलाने हो तो 1.5 साल तक हमारा काम चल जाए, 2 साल चल जाए। अभी जब से न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आया, माल कल्चर आई, तो हम हफ्ते भर का सामान मार्केट से लेके आते हैं। अब वहाँ सुख धान्यम समी धान्यम समातीतम प्रशस्यते वाली बात हो रहा नहीं है, तो इनडायरेक्टली तो हम संतर्पण जन्य आहार ही सेवन कर रहे हैं ना। गेहूँ तैयार हुआ अप्रैल में और मई में आ गया पैक होके किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कंपनी का ब्रांड और लोगो रखता है। अब कौन एक साल तक गेहूँ आपके लिए रखेगा फिर उसका आटा मार्केट में ले आएगा। यहाँ पर व्यवसाय का भी कॉन्सेप्ट है कि ऐसा कर सकते हैं कि ये समातीतम प्रशस्यते वाला सुख धान्य समी धान्य हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो संतर्पण नहीं करेगा। एक साल पुराना गेहूँ का आटा है, 2 साल पुराना चावल है, और जब उसको बनाएंगे तो उसमें पिछिलता बहुत कम रहती है और बहुत लाइट होता है। ऐसा अन्य जो ग्रेन्स जितने भी हैं सीरियल्स हैं जो हम 1 साल 2 साल रखते हैं उसके बाद यूज करते हैं, बहुत लाइट होता है, डाइजेशन में भी लाइट होते हैं, शरीर में भी लाइटनेस उत्पन्न करते हैं, है ना। तो गेहूं तो कम से कम 1 साल पुराना हो, चावल 2 साल तक भी रख सकते हैं, 3 साल भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब घर छोटे छोटे होते हैं, वो संस्कृति ख़त्म हो गई कि एक घर में एक कमरे में गेहूं चावल ही रखा जाएगा, है ना। अब तो अपने रखने की भी जगह कम पड़ जाती है तो गेहूं चावल कौन रखे, जब आप रखेंगे नहीं तो शरीर में संतर्पण जन्य व्याधियाँ होंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो संतर्पण कृतई दोष ही स्थौल्य मुक्ता विमुच्यते, तो अगर हम व्यायाम नित्य हैं, रेगुलर व्यायाम करते हैं, जीवनाशी हैं, योग गुरुओं का रेगुलर प्रयोग करते हैं। आप देखिए आचार्य ने जब मात्रा सिटी में वहाँ पर बताया कि किसका आपको रेगुलर प्रयोग करना है, तो वहाँ पे यव आया, सष्टिकान सालिबुद्गाश्च संदवामलकेवन अंतरिक्षम पया सर्वी जांगलम मधुच अभिषेक चरक सूत्र 5/12 पाँचवें अध्याय का 12वां सूत्र है। तो वहाँ पर यव की बात की है, रेगुलर खाने यवक का निषेध किया है, लेकिन हम क्या करते हैं, अभी फैशन में आ गया हम यवक का प्रयोग करते हैं ब्रेकफास्ट में, तो कभी कभी खा लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उदाहरण है ओट्स और यव चावल, जो जव अलग है और यवक अलग है, वो ओट है और वो बार्ली, दोनों में फर्क है। यव चावल, यव यव जव है, चावल अलग चीज है, चावल तो धान से बनेगा ना, यव जो, हाँ यव को जव, यवक को निषेध करने का, हाँ रेगुलर प्रयोग नहीं करना, उदाहरण है वो, बाद में फिर शरीर में अवतर्पण की ओर शरीर को ले जाए। हाँ तो अभी लोग नहीं समझ रहे हैं, शास्त्र हमारा कह रहा है ना कि रेगुलर आप उसका प्रयोग नहीं करें, तो इसको नहीं, कुछ समय और भी दोष हैं, और भी दोष, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा अगर आप यवक का रेगुलर सेवन करेंगे। देखो यही तो सिद्धांत में हमारे और मॉडर्न साइंस के फर्क है। अब मैं आपको दो उदाहरण दे देता हूँ इसी बात पर, जो हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं वो अन्यथा नहीं लेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि मैं एक विद्यार्थी के रूप में अपनी बात करता हूँ जब भी मैं चरक संहिता पर बात करता हूँ। तो मैं दो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, एक मैं रेनल फेलियर का दे रहा हूँ और दूसरा मैं डायबिटीज के केस का दे रहा हूँ। मॉडर्न साइंस का क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, आप देखिए, एक तरफ तो जो दवाइयाँ दी जाती हैं एंटी डायबिटिक होती हैं, वो चाहे सल्फोनिलमाइड ग्रुप की हों किसी ग्रुप की हों, तो एक तरफ तो आप दवा दे रहे हो ग्लूकोज के लेवल को कम करने की, दूसरे तरफ आप भोजन में रिस्ट्रिक्शन कर रहे हो। एक समय कैसा आएगा जब शरीर को मिलेगा ही नहीं ग्लूकोज, इंटेक कम कर रहे हैं और उस पर चेक कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं ग्लूकोज लेवल को कम कर रहे हैं, बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। दूसरा चाहे मेटफॉर्मिन हो, चाहे पीपी चाहे पीका चाहे जितनी भी औषधियाँ हैं, वो भी कसाय रस वाली तिक्त रस वाली और ऐसी ही हो, और उनका काम क्या है, शरीर में लेखन करना उनका काम है। मेटफॉर्मिन का जो मेन एक्शन होता है वो फैट पर होता है, फैट को कम करने वाली होती है, ग्लूकोज लेवल को तो कम करता ही,
लेकिन फैट को भी तोड़ता है। तो मेटफॉर्मिन का जो प्रयोग है फैट को कम करने के लिए भी किया जाता है कभी कभी, बाकी ट्रीटमेंट में तो करते ही हैं ब्लड शुगर लेवल को कम करने। आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेखन दे रहे हैं ना इनडायरेक्टली, अगर हम अपने शास्त्र की भाषा में समझें तो जो डायबिटीज का ट्रीटमेंट है वो क्या है, लेखन है ना, लेखन ही दे रहे हो, लखन दे रहे हो, किसी तरह दे रहे हैं ना। हमारा सिद्धांत क्या कहता है कि सभी प्रमेय एक समय के बाद मधुमेह में बदल जाते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप लेखन औषधियों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, वात बढ़ेगा, तो जो प्रमेय की संप्राप्ति है वो वातित प्रमेय की ओर और अग्रसर होगी, धातुओं का क्षय होना शुरू हो जाएगा, और जब धातुओं का क्षय होना शुरू हो जाएगा, ओज का क्षय होगा, तो प्रमेय तो ऑलरेडी जो मधुमेह है असाध्यता की तरफ जा रही है ना, तो इसीलिए तो जीवन भर आप टैबलेट लेते हैं उसके बाद भी ठीक नहीं हो पाते हैं, मुक्त नहीं हो पाते हैं उससे। हमारे शास्त्र में जब आप प्रमेय चिकित्सा पढ़ेंगे, अपने शास्त्र में लिखा है कि वहाँ पर संशोधन कराने के बाद भी संतर्पण देना है रोगी, अब तर्पण नहीं देना, क्योंकि आचार्य ने कहा आपने संशोधन करा दिया है, ऑलरेडी शरीर में वात पड़ रहा है, लघुता आ रही है, उसके बाद अगर आप अवतर्पण कर देंगे तो जो कफज प्रमेय है, जो पित्तल प्रमेय है, वो वातित प्रमेय में बदल जाएगा, और वातित प्रमेय में बदल जाएगा तो उसकी संप्राप्ति जो भी असाध्यता की तरफ जाएगी, फिर आप कैसे ट्रीट करेंगे इस तरह के सिद्धांत में। तो ये हमारे और उनके सिद्धांत का पूरा वेरिएशन है, यहाँ से अलग हो जाए।